ना उसने मनाया ना आवाज ही दे आ। ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगे मुझको। सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन कि दामन पकड़ के बैठा लेगी मुझको। ना उसने मनाया ना आवाज ही दे आ। ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। शोख नजरें ये शरारत से ना बाज आएंगी। शोख नजरें ये शरारत से ना बाज आएंगी। कभी रूठेंगी कभी मिलके पलट जाएंगी। तुझसे निभ जाएंगी निभ जाएगी उसे निभ जाएगी उसे निभ जाएगी। मैं इनसे निभाऊं कैसे मैंने गाहें छा रही थी तेरी सो मच। मैं आप सभी से गाने को तो मेरा बहुत कुछ है। वैसे मैं बेसिकली रफ़ी साहब को फॉलो करता हूँ और दो चार दिन से सोया नहीं हूँ तो थोड़ा थका हुआ। चलो मैं सुनाता हूँ एक सॉन्ग और। कौन सा ये नहीं आता मतलब जिनकी तैयारी है उसको सुना रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट सुनो। अपने रुख पर निगाह करने दो खूबसूरत गुनाह करने दो। रुख से पर्दा हटाओ जाने हया आज दिल को तबाह करने दो। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। ये मरमरी से हाथ ये महका हुआ बदन ये मरमरी से हाथ ये महका हुआ
बदन आ गया दर्द ला 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 मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर शुक्रिया अभी फिलहाल तो तबीयत खराब हो रही है इसीलिए मैं पोएट्री के लिए आया था आज ठीक है मेरा वैसे बेसिकली बैकग्राउंड मेरा जो है वो पोएट्री से ही है मेरे मामा जी हैं वो मतलब उर्दू का तो है ही बट उनका फारसी का बहुत ज़्यादा है उनका शायरी तो ये है कि मतलब हमें तो समझ में भी नहीं आती उनका लेवल वो है उन्होंने उनका नाम सरफराज फलाही है उन्होंने फलाहियत भी की हुई है आप तो समझते होंगे फलाहियत और उनका तखल्लुस लगाते हैं आप देख लेना यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो ऐसे इस टाइप की शायरी नहीं करते वो इंकलाबी शायर हैं मतलब इकबाल साहब के बहुत वो हैं वो तो मैं थोड़ा आशिक मिजाज रहा हूँ तो मैं उसी टाइप की पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं सबसे बेखबर हूँ तू ही आके बाखबर कर दे मैं सबसे बेखबर हूँ तू ही आके बाखबर कर दे निकल जाऊँ मैं गफलत से खुदा रहा एक नज़र कर दे और दुआओं में मेरी अब तो असर ही ना रहा बाकी खुदा कुव्वत अता कर और दुआएं पुर असर कर और इसी में आगे लिखा है कि तेरा रुतबा है वो कि मैं वजाहत भी ना कर पाऊँ तेरा रुतबा है वो कि मैं वजाहत भी ना कर पाऊँ है मुश्किल ज़िंदगी के अब तू ही आसान सफ़र कर दे और अकेला चल रहा हूँ दुनिया भर के रंजो गम लेके है तू ही खाली के कुल मुझको बस मिट्टी से जर कर दे अब एक ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं तो लिखा है कि ज़रा सी क्या मोहब्बत कर ली तुझसे ज़िंदगी मैंने है हसरत अब तेरी कि मैं हर एक सितम सहूँ तेरा ज़रा सी क्या मोहब्बत कर ली तुझसे ज़िंदगी मैंने है हसरत अब तेरी कि मैं सितम हर एक सहूँ तेरा और तुझे शायद नहीं मालूम कि तू चार दिन की है मिला दूँ मौत से कि ये भरम भी तोड़ दूँ तेरा भाई बेस बढ़ाओ थोड़ा बेस और आगे लिखा है कि है ऐसा क्या कि तू खुद पे तकब्बुर इतना करती है ऐसा क्या कि तू खुद पे तकब्बुर इतना करती है तुझे तो जीता भी हूँ सींच के मैं ये लहू मेरा और आगे आखिरी लाइन लिखी इसकी सुकून और चैन तूने कब दिया मुझको ये बतला दे है बेहतर मौत तुझसे है वही इश्क जुनू मेरा तो ये थोड़ा इश्क मोहब्बत में लुट पिट के वो चीज़ें जो लिखी जाती हैं उसी टाइप का था अब कि गज़ल बन जाओ तुम मेरी एक गज़ल जैसा कुछ लिखा है मैंने कि तेरे होठों को क्या कह दूँ मैं क्या दूँ अब मिसाल इनकी तेरे होठों को क्या कह दूँ मैं क्या दूँ अब मिसाल इनकी सुर्ख इतने हैं कि याकूत भी खुद इनसे शर्माए सुर्ख इतने हैं कि याकूत भी खुद इनसे शर्माए और ये आँखें हैं या कोई रोशनी या है कोई जादू ये आँखें हैं या कोई रोशनी या है कोई जादू गज़ाला खुद अगर देखे नज़र उसकी न लग जाए और आगे लिखा है कि बंधी जुल्फों में लगता है कई सावन समेटे हों बंधी जुल्फों में लगता है कई सावन समेटे हों अगर खुल जाएं तो बरसात बिन बादल बरस जाएं और आगे लिखा है कि हुस्न की दिलकशी इतनी है कि कौसे खुजा के रंग हुस्न की दिलकशी इतनी है कि कौसे खुजा के रंग करे अगर सामना तेरा तो वो बेरंग हो जाएं करे अगर सामना तेरा तो वो बेरंग हो जाएं और आगे लिखा है कि गज़ल बन जाओ तुम मेरी हो जिस पे सिर्फ हक मेरा गज़ल बन जाओ तुम मेरी हो जिस पे सिर्फ हक मेरा जिसे मैं ही कहूँ मैं ही सुनूँ कोई ना सुन पाए और इश्क के लिए लिखा है कि वो कब कहाँ कैसे हो जाए ये कोई पता नहीं है तो उस पे लिखा है कि इश्क हो कैसे कहाँ कब किसी से क्या कह दूँ इश्क हो कैसे कहाँ कब किसी से क्या कह दूँ ये वो वबा है जो हर सिमत है फिज़ाओं में वॉल्यूम दो ना थोड़ी सी आप ये वो वबा है जो हर सिमत है फिज़ाओं में और चारागर चारा गरीब ही करे तो क्या हासिल इस पे काबू करे कहाँ वो असर दवाओं में
और आगे कहा कि कोई तबका ना कोई ज़ात इससे बच पाई, कोई तबका ना कोई ज़ात इससे बच पाई, ये मारूजा है फ़कीरों में बादशाहों में, ये मारूजा है फ़कीरों में बादशाहों में। और इसमें उम्मीद भी मंजिल की गुनाह के मुआफ़िक, इसमें उम्मीद भी मंजिल की गुनाह के मुआफ़िक, ये वो सफ़र है जो हो जाए ख़त्म राहों में। एक अभी हिजाब वाला चल रहा है, मैंने उसको डायरेक्टली बोला नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक महबूबा को हम प्यार से बोल सकते हैं उस वे में। वो मैंने वो लिखा है कि नज़र नज़रों से मिल जाए तो क्या हो, नज़र नज़रों से मिल जाए तो क्या हो, और कोई खंजर सा चल जाए तो क्या हो, नज़र नज़रों से मिल जाए तो क्या हो, कोई खंजर सा चल जाए तो क्या हो, और खुली जुल्फ़ें जो लहराएँ तुम्हारी, किसी का दिल मचल जाए तो क्या हो। और आगे कहा है कि कली से होठों पे ठहरा के नजरें, कली से होठों पे ठहरा के नजरें, कोई भंवरा फिसल जाए तो क्या हो। और आगे लिखा है कि थिरकते इस बदन पे जो किसी का, थिरकते इस बदन पे जो किसी का, अगर ईमा बदल जाए तो क्या हो। और आगे लिखा है कि तुम्हारे हुस्न की इस रोशनी में दहकते, हुस्न की इस रोशनी में कोई परवाना जल जाए तो क्या हो। और आगे अब ये बेपर्दगी की बात आ गई है कि ये यूँ बेपर्दा जो देखे मन चलों की, यूँ बेपर्दा जो देखे मन चलों की, कहीं नीयत बदल जाए तो क्या हो, और कोई तुमको निगाहें भर के देखे, कोई तुमको निगाहें भर के देखे, मुझे ये बात खल जाए तो क्या हो। एक होता है लड़कियां बोलती हैं कि तुम इधर उधर बात करते रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं करूं तो क्या होगा, क्या ये, इस टाइप की बातें होती हैं। तो उस पर लिखा है कि जो करना है अगर गलती तो करती क्यों नहीं हो, तुम ये बोल रही हो कि मैं करूं तो क्या होगा या जो भी है, तो जो करना है अगर गलती तो करती क्यों नहीं हो, मेरी ही तरह तुम गैरों पर मरती क्यों नहीं हो, जो करना है अगर गलती तो करती क्यों नहीं हो, मेरी ही तरह तुम गैरों पर मरती क्यों नहीं हो, और मैं जल जाऊँ ना सह पाऊँ करो ऐसी भी हरकत, मैं जल जाऊं न सह पाऊं करो ऐसी भी हरकत, जो देखो गैर को तो तुम समझती क्यों नहीं हो। अफजल भाई, जो देखो गैर को तो तुम समझती क्यों नहीं हो, और मुझे मालूम है कि बंदिशें हैं जान पे मेरी, मुझे मालूम है कि बंदिशें हैं जान पे मेरी। ये एक सिचुएशन होती है कि मैं बात नहीं कर पाती, एक कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आती है, मम्मी होती हैं पापा होती, तो उस बात के लिए कि मुझे मालूम है कि बंदिशें हैं जहाँ पे मेरी, मगर है जहाँ मेरे बिन आहें भरती क्यों नहीं हो। और आखिरी लाइन लिखिए, वो साकी जिससे मुस्तकबिल के वादे थे तुम्हारे, वो साकी जिससे मुस्तकबिल के वादे थे तुम्हारे, उसी से बिछड़ जाने से डरती क्यों नहीं हो। एक आखिरी मैं सुनाना चाहूँगा गज़ल, आपकी इजाज़त चाहता हूँ, मंजूर है क्या? ठीक है। क्यों उस पर दिल फिदा हो बैठा कोई हूर है क्या, क्यों उस पे दिल फिदा हो बैठा कोई हूर है क्या, मेरी आँखों में दिखता है ये उसका नूर है क्या, मेरी आँखों में दिखता है ये उसका नूर है क्या। और आगे कहा है कि ये मुझको क्या हुआ है क्यों नहीं हूँ मैं ज़मीं पे, ये मुझको क्या हुआ है क्यों नहीं हूँ मैं ज़मीं पे, जो मुझ पे छा रहा है उसका ही सुरूर है क्या। और बात ये हो गई है कि ये मीठा दर्द क्यों है आजकल सीने में मेरे, ये मीठा दर्द क्यों है आजकल सीने में मेरे, बहुत गहरा मेरे दिल में कोई नासूर है क्या, बहुत गहरा मेरे दिल में कोई नासूर है क्या। और अगर महफिल में आए तो उसी की, अगर महफिल में आए तो उसी की, सभी करते हैं बातें वो बहुत मशहूर है क्या, सभी करते हैं बातें वो बहुत मशहूर है क्या। और आगे लिखा है कि मेरा दिल कर रहा है बस उसे बाहों में ले लूँ, मेरा दिल कर रहा है बस उसे बाहों में ले लूं, नहीं सुनता सदा दिल की वो इतना दूर है क्या, नहीं सुनता सदा दिल की वो इतना दूर है क्या। और शमा पे जैसे मर जाता है परवाना, मिटा देता है खुद को, शमा पे जैसे परवाना मिटा देता है खुद को, मैं उस पे मर रहा हूँ मेरा ही कसूर है क्या, मैं उस पे मर रहा हूँ मेरा ही कसूर है क्या। और आखिरी लाइन में इसकी बोलना चाहूँगा कि मैं सुनना चाहता हूँ एक दफ़ा उसके ही मुँह से, मैं सुनना चाहता हूँ एक दफ़ा उसके ही मुँह से, इशारा जो किया मैंने उसे मंजूर है क्या। शुक्रिया बाबा।